राजनांदगांव में बैलगाड़ी से बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचने वाला दूल्हा धोखेबाज निकला। महज 3 दिनों के बाद ही इस दूल्हे की हकीकत समाज के सामने आ गई और शादी टूट गई। दुल्हन के घर वालों को पता चला कि दूल्हा पहले ही 2 बच्चों का पिता है। पूरा मामला थाने पहुंचा, जिसमें दुल्हन की तरफ से दूल्हे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। राजनांदगांव के अर्जुनी गांव में अमेरिका में कार्यरत युवक छत्तीसगढ़ी परंपरा अनुसार 11 बैलगाड़ियों में बारात लेकर पहुंचा था। क्षेत्र के अलावा पूरे जिले में इस ऐतिहासिक शादी के चर्चे होने लगे, लेकिन इसी शादी को 3 दिन हुए थे कि धोखेबाज दूल्हे की सारी हकीकत समाज के सामने आ गई और दुल्हन को शादी तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल दुल्हन के घर वालों को पता चल गया कि दूल्हे ने अमेरिका में भी ग्रीन कार्ड के चक्कर में वहीं की एक युवती से ब्याह रचाया है, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। मौके पर दूल्हे के घर में लड़के के दस्तावेज खंगाले गए तो पासपोर्ट में लड़के ने अपनी अमेरिकन पत्नी का नाम लिखवाया हुआ था। इस दूल्हे ने अमेरिका से अपने घर पहुंचते ही समाज की ही युवती से बिना अपनी पहली शादी की बात बताए धोखे से दूसरी शादी कर ली। हाल ही में दुल्हन का भाई, जो पैरामिलिट्री फोर्स CRPF में तैनात था, नक्सली विस्फोट में शहीद हुआ था। शहीद की बहन का विवाह पारंपरिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। लड़की अब ये सब जानने के बाद दूल्हे के साथ रहना नहीं चाहती। बीती रात दुल्हन अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंची और दूल्हे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। लड़का शादीशुदा है पहले से, ये बात मेरे को पता नहीं था जी। मेरे फैमिली वाले आए तो मुझे पता चला। डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। उन्होंने खुद से दिखाया या आपके बोलने पे? नहीं, मेरे फैमिली वाले के पूछने पे हुआ था, लेकिन नहीं बताए थे ये चीज़ को। लड़का यहाँ का है, अर्जुनी का रिश्ता तय हो, अमेरिका में जॉब करता है, जैसा भी जॉब करता है अपने एरिया का है, ये सब हुआ है। तो बोली, लड़की को बोले कि यहाँ अमेरिका में जॉब करता है, कैसा करना है, रिश्ता तय करना है, पसंद आ रहा है। तो बोली वहाँ ले जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं इधर पढ़ाई करूँगा। तो ठीक है, हम भी वैसा ही सोचे, आपका पढ़ाई है, परीक्षा है सामने, परीक्षा दिलाओगे। लड़का बोला अक्टूबर में आऊँगा। कहते ठीक है, साल भर ऐसा कुछ हो जाएगा, यहीं रहूँगा, ऐसा जैसा भी पढ़ाई किया है, नवोदय में जाकर वो बिजनेस कर रहा है, जैसा भी धीरे धीरे करेगा, ऐसा रह गए जैसा। अब शहीद परिवार के बहन की है तो CRPF वालों का ये आवेदन लगा है उनके पास में, ऐसा ऐसा बात है, हमारे यहाँ कार्ड भी दिए हैं। तो उन लोगों ने पता किया कि भाई इनका कार्ड बनना है, ऐसा ऐसा है। तो उसमें पता चला कि शैलेन और उनीशा, तो भाई ये मोबाइल में तो उसमें पता लगा है कि ये तो इन शादीशुदा वहाँ से है, ऐसा कैसा हुआ? तब इन लोग मेरे को तो बताए नहीं, मेरे को यहाँ आने के बाद ये सब पता चला है। क्या चाहते हैं, एक दिन में धोखा दे सकता है सर, तो अब वो क्या पता जिंदगी जीना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।